गखी वाला पुत्त ओए मेरा आयुष्मान पुत्त तो पैरी है बुआ शत के जाए और पुत्त सब दम लगा के ईशान हां जी हां जी ओए नुचू ओए मेरा बच्चा सब सोनू के टीटू की स्वीटी का मल्टीविटामिन ना मुझे ना तेरे फिल्म का नाम ही नहीं याद होता सूटू के टूटू के टीटी सोनू के तीन चार बार जीव कटवा गए वैसा मुत वैसा वैसा आए आ मुत आयुष्मान ये हमारी कम्मो बुआ है दिल्ली से और ये कम्मो बुआ का निकम्मो भतीजा आशु आशु तेरा भाई नहीं आया वो शक्तिमान अपार शक्ति शक्तिमान नहीं अपार शक्ति हाँ हाँ शक्तिमान में अपार शक्ति है तभी तो ऐसे ऐसे करके उड़ता रहता है मेरे को सच्ची याद है इतना सा हुआ करता था पूनम बहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी इतना बारिश ने अर्चना जी बॉम्बे को नीला किया जिस किस बंदे ने मेरी गोदी को किया है बुआ झूठ बोल रही है इतना करता था बुआ क्यों झूठ बोल रही है तू रहने वाली दिल्ली की ये पले बड़े चंडीगढ़ में आ तो क्या हुआ पुत्र गर्मियों की छुट्टियां काटने दिल्ली आया करता था ये पहली मैं एक बात बताऊं नुचू मेरी बात सुन नुचू तो गर्मियों की इतनी छुट्टियां नहीं काटता था जितने लड़कियों के घर के चक्कर काटता हाँ तेरा गले का कौवा बाहर आ जाए ना तेरा क्या बुआ बुआ बोल के तू ज्यादा नहीं फ्रैंक हो रही उनके साथ फ्रैंक मैं फ्रैंक तो हुआ करते थे इनके पापा ओए 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 पी खुराना भाई साहब क्या फ्रैंक हुआ करते थे अर्चना मेरे साथ अच्छा रोज मेरा हाथ पकड़ के इससे मेरी लाइन नहीं चेक करते रहते थे मैंने उनको कहा मैंने कहा भाई साहब मेरा हाथ छोड़ो दूसरों का हाथ चेक करो फिर देखो बन गए ना आज नंबर वन एस्ट्रोलॉजर वो चंडीगढ़ 17 सेक्टर में ना मैंने और पी खुराना भाई साहब ने क्या गेड़ियां काटी है ओए ओए बाइक पे पूरा शाहरुख खान लगते थे मैं कस के पकड़ लेती थी वो तो भाई साहब मिले तो उनको कहना कि कमबुआ कहती थी कि वो रोज गार्डन था ना उसमें छोटे छोटे पौधों को हम पानी दिया करते थे आज वो पेड़ हो गए बुआ एक बार था अगर इनके पापा तेरे साथ घूमते थे तो फिर तुम इनकी बुआ कैसे हो गई वो पुत उस दिन हुई जब हम दोनों पार्क में बैठे थे ऊपर से पुलिस आ गई पापा इतने इनके चलाक निकले बचने के चक्कर में मुझे बहन जी कह दिया 100 रुपया दे देते तो आज मैं तेरी बुआ नहीं होती इनको आलू वाले पराठे खिलाने मैंने सच में ला पराठे मेरे को भूख लगी ला पुत छिल तो फटाफट आलू बैठे छिलके ना छिलके इसमें रखना तू छिले वाले आलू चल मेरा पुत फाड़ ला आलू है चाकू है आलू बेटे उबले हुए तो क्या हुआ फिल्म में पूरा बदन छिलवा सकता है मैंने तेरे को बात कहनी है पुत्र मैंने ना ड्रीम गर्ल का ट्रेलर देखा था तू ना थोड़ी अपनी हॉटनेस पे काम कर हॉटनेस क्यों वो क्या है ना पुत्र इसके होते हैं फिल्म में तीन लोंडे लपाड़े इस पे डाके डाल रहे हैं क्या भाई अगर उन तीनों ने इसको देख लिया होता तो शायद मेरे पास ही आते हुआ ध्यान से देखते रहो लगता है नुसरत की हॉटनेस कम है वैसे मैंने ना पुत्र एक बात भी कहनी है क्या आशु कान पे हाथ रख ले डैडी की बात है ना
एक डन। अखराना भाई साहब थोड़ा म्यूट कर लो टीवी, पूनम बहन जी ने देख लिया तो क्लेश पड़ जाएगा। जवानी के दिनों में ना पी खुराना साहब मुझे कहते थे कि ना तू ना नुसरत भरूचा, नुसरत भरूचा लगती है। तू झूठ बोल रही बुआ, नुसरत आज की लड़की, तू कहाँ अर्चना जी की दाई। तूने पूछा सुना नहीं, पापा एस्ट्रोलॉजर है। हाँ। उन्होंने मेरा फ्यूचर पहले ही देख लिया था। उनको पता था मेरे जैसी एक हॉट लड़की आएगी फिल्मों में। ये आयुष्मान वैसे तो हमारी बुआ है, लेकिन ये वो ननद जैसी है जो रिश्तों में दरार नहीं डालती आगे घर में। क्या हो गया आजकल फैशन है दरार डालना। मैंने लड़की की फिल्म देखी थी, क्या था, किसका टुट्टू था, टुट्टू की छुट्टी की, उसमें ना ये दो दोस्तों में ऐसी दरार डाल रही थी ना, अर्चना बहन जी फिल्म इतनी हिट हो, 1 करोड़ रुपया कमाया फिल्म ने दरार डाल के। हुआ हो गया तेरा? तेरा तो हो गया, लंदन पढ़ने गया, तेरा कब हो रहा? शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, लेकिन आज तक अभी शाहजहां ने बोधी पकड़ के फोटो खिंचाई है। लोग ही खिंचाते है ना, बुआ से कुछ सीख। क्या सीखूं? यही कि 15 मिनट में कैसे लाखों रुपए कमा के निकल जाते हैं। आयुष्मान, नुसरत, आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं मार्केट में फैलती रहती हैं, स्टार लोग हैं आप, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। आयुष्मान भाजी, एक अफवाह है कि जब से आपने ये रोल किया है आपको गॉसिप करने की आदत हो गई है। भाजी पता है गॉसिप करने की आदत हर एक को होती है। हाँ, किसके साथ करते हो आप वो डिपेंड करता है। बहुत दो तीन लोग होते हैं जिसे आप जी भर के बोल सकते हो। बिल्कुल, आदत तो शुरू से ही थी मतलब, पर लोग लिमिटेड ही हैं जिनके साथ मैं करता हूँ। वेरी ऑनेस्ट आंसर, शुक्रिया। नुसरत, आपके बारे में यह अफवाह कि आपके जन्म के बाद जब आप रोई तो डॉक्टर को लगा कि नुसरत साहब गा रहे हैं, तो इसलिए आपका नाम नुसरत पड़ा, इज इट ट्रू? आई वुडंट नो, बट मुझे याद नहीं होगा ना, बहुत छोटी होंगी तब तो। हाँ, करेक्ट। एक मिनट की होंगी तब, एक क्या मिनट की, एक्चुअली तो ये अफवाह मतलब ये मामला बीच में ही है। हाँ, कंफर्म नहीं है। ओके, नुसरत, एक अफवाह ये है कि आप नहीं चाहती कि आपका टैटू जो है वो कोई कॉपी करे, इसलिए आप छुपा के रखती हैं। टैटू है? 3 टैटू है। अच्छा, क्या क्या टैटू है, मतलब क्या बनवाया आपने? एक बटरफ्लाई फेरी है, एक फीनिक्स है, बड़ा सा बर्ड। फीनिक्स बाहर का बर्ड है कोई? इट्स अ बर्ड दैट राइजेस आउट ऑफ एशेस, एशेस में से, राख में से, फिर राख में से एक कुछ जीवित होकर निकलता है, एज होप एंड like okay. I know international birds, right? I know angry birds. Angry birds, yes. And third tattoo ka naam hai supernova. Supernova jo ek sitara bahut saaron mein banta hai aur fir burst ho jata hai taki aur lakhon sitare bane. I don't know. But I'm telling you. What a padhi likhi heroine we have. That's nice. Paaji, aapke bare mein fayda ki aap apni pocket money ke liye Pashchim Express mein bhi gana gaya karte the. ये क्या ऐसा नहीं था, हुआ ये था कि हमारा थिएटर ग्रुप था। हाँ जी। जब चंडीगढ़ से मुंबई आते थे पश्चिम एक्सप्रेस पंजाब मेल, तो हम सारे जो 10-15 लड़के थे ना, हम 3-4 गिटारिस्ट थे और सब गाते थे ऑलमोस्ट, तो हम गाते थे ट्रेन में और लोग खुशी खुशी हमें पैसे देते थे और तो इतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे। आउटस्टैंडिंग। या और टीसी बोलता था कि आपको ना फर्स्ट क्लास में डिमांड आई है आप लोगों की, तो सेकंड क्लास स्लीपर में जाते थे, तो फर्स्ट क्लास में जाते, एसी कंपार्टमेंट जाते थे, और वो पता नहीं कभी 500 रुपए, कभी 100 रुपए, 1000 रुपए इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा, तो गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर हो जाता था हमारा फ्री में बॉम्बे के बाद।
नुसरत, आपके बारे में ये अफवाह कि आप अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हैं। जी। तो बोलते हैं कि क्योंकि आप 15 साल की उम्र तक भी अपने मम्मी पापा के बीच में सोती थी, इसलिए आप इकलौती। आई मीन 15 साल तक? 15 साल? जी हाँ। ओह माय गॉड। बट ये ऐसी सी बात है कि पापा अपना पूरा काम, मतलब काम की जगह पे उन्होंने बेडरूम बना लिया था, तो अच्छा। मम्मी और मेरा बेडरूम बन गया था वो। मैंने okay. स्टील कर लिया था उनका बेडरूम। बड़ा था यार, मोर स्पेस, मोर अलमीरा, मोर प्लेसेस फॉर शूज एंड क्लोथ, सो चोरी कर लिया। आपने बधाई हो, देखिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।